दोस्तों इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोस कब तक सामने आती रहेंगी कुछ नहीं मालूम, क्योंकि कंपनीज शायद इस तरफ ध्यान दे ही नहीं रही हैं। लीलैंड गाड़ी है भैया, नट बुन टूट रहे नहीं कसे हुए, पंखा ही टूट गया, रेगुलेटर फूट गया है। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मिस्त्री की गलती है टोटल। इसमें पानी भर दिया, कंपनी की लापरवाही के कारण से मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। ये पंखा टूटी पड़ी हुई है, कूलेंट की जगह रेगुलेटर में पानी भरा जा रहा है। भैया मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, ये गाड़ी को कोई ना ले। ये वीडियो आपने देख ली, गाड़ी मालिक किस तरह भड़के हुए हैं, कौन है ये, क्या हुआ इनके साथ, बताएंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। शुरुआत में जो आपने वीडियो देखी उसमें जो तस्वीर और आवाज आपने सुनी वो थी सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की। मध्य प्रदेश के ये रहने वाले हैं। मात्र 2 महीने पहले इन्होंने एक अशोक लेलैंड की गाड़ी खरीदी है, CA 1615 इकोमेट। सोचिए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, अभी क्या ही कमाई इन्होंने की होगी, लेकिन ऐसी समस्या आने लगी कि अब ये इस गाड़ी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। मात्र 2 महीने में क्या कंपनीज अब ऐसी गाड़ियों का निर्माण कर रही है कि मात्र 2 महीने में जो व्यक्ति 20 से 25 लाख रुपए खर्चे वो मानसिक संतुलन खो बैठे, मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाए। इनके साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है, जानिए पूरी बात इनके साथ क्या क्या हुआ। लीलैंड गाड़ी है भैया, 2 महीना मेरी पुरानी गाड़ी है। मेरा नाम सुरेंद्र कुशवाहा, ग्वालियर से हूँ मैं। क्योंकि मैं लीलैंड कंपनी में शनिवार को काम करवा के आया हूँ और मिस्त्री के कारण से नट बुंट उन नहीं कसे हुए हैं रेगुलेटर वगैरह आगे, इसलिए रेगुलेटर कहीं पंखा ही टूट गया, रेगुलेटर फूट गया है। और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मिस्त्री की गलती है टोटल। इसमें पानी भर दिया तो पानी निकला है, जो भरा हुआ है खाली हो गया है, मतलब कंपनी की लापरवाही के कारण से। ये गाड़ी 2 दिन में खड़ी हुई है, वहाँ से चला है 100 किलोमीटर बाद ये टूट टाट गई है, नीचे पड़ा हुआ है मटेरियल। 2 दिन से नहीं सुनवाई हो रही है, कल संडे था, आज सोमवार है, अब बोला आज कोई सुनवाई नहीं हुई है। झांसी वाला बोल रहा है कि टीकमगढ़ लगाइए, टीकमगढ़ वाला बोल रहा है कि सीपरी लगाइए, सीपरी वाला बोल रहा है ग्वालियर लगाइए, ग्वालियर वाला बोल रहा है झांसी लगाइए। मैं नंबर ही लगा लगा के परेशान हूँ, मेरे मोबाइल से नंबर भी लगना बंद हो गए हैं। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि बिल्कुल भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए मैं आपके पास वीडियो भेज रहा हूँ कि थोड़ा ये कंपनी में आप बात करें, आपके सहारे से मेरी गाड़ी का काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत तंग हो चुका हूँ। इसकी 45,000 रुपये किस्त है, हफ्ते में 4 दिन कंपनी के अंदर खड़ी हो रही है। कंपनी में कोई यूरिया फिल्टर चौक हो गए तो यूरिया फिल्टर बदलवा दिए, सब कुछ बदलवा दिया। बहुत परेशान हो चुका हूँ भैया, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। देख लिया आपने, 20/9/2022 को ये गाड़ी खरीदी गई थी और अभी दिसंबर चल रहा है, और इससे पहले इनकी गाड़ी 2 बार खराब हो चुकी है। अब गाड़ी जबलपुर में खड़ी हुई है, 11 तारीख से समस्या आन पड़ी है। 11 तारीख से 2 दिन पहले इन्होंने गाड़ी ठीक करवाई थी, फरीदाबाद में इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, यूरिया की कोई समस्या थी, जो ठीक करवाने के बाद 1520 रुपए इनके लगे। चलिए ये वहां से चल दिए, गाड़ी ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, गारंटी में थी, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, गाड़ी मालिक इत्मीनान से चले आए। लेकिन 10 तारीख को फिर गाड़ी खराब हो गई, मात्र 100 किलोमीटर चले होंगे और गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद इन्होंने टोल फ्री नंबर पर फोन किया, उन्होंने आसपास की एजेंसी का नंबर दिया, सत्यम सॉल्यूशन एक कंपनी है जहां से इन्होंने गाड़ी खरीदी थी, वहां का नंबर दिया गया, वहां गए, उन्होंने भी थोड़ा बहुत देखकर ठीक करके इन्हें भेज दिया। लेकिन गाड़ी की समस्या फिर जस की तस बनी हुई है, रेडिएटर लीक हो गया, रेडिएटर का पंखा टूट गया, अब ये एक ही जगह खड़े परेशान हैं, कोई मिस्त्री नहीं आ रहा। इन्होंने कई लोगों से संपर्क कर लिया, कोई इन्हें ग्वालियर भेज रहा है, कोई टीकमगढ़, इन्होंने सबके नंबर बकायदा लिखकर भेजे हैं। असल बात इन्होंने हमें ये बताई कि दरअसल कोई नोजल खराब है जो यूरिया को सप्लाई करता है, जिसका 33,000 रुपए खर्च है, 3 महीने की उसकी वारंटी है जो कि खत्म होने वाली है। तो इनका कहना यह है कि कंपनी वाले जानबूझ के इधर उधर दौड़ा रहे हैं ताकि वारंटी खत्म हो जाए, फिर वो पैसे ऐंठ सके। गाड़ी मालिक से जब आज सुबह हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो एजेंसी पहुंच चुके हैं, लेकिन एजेंसी में भी उनके साथ ऐसा ही रवैया अपनाया जा रहा है। एजेंसी से उन्होंने हमें ताजा वीडियो भेजी है, जरा ये भी देख लीजिए। बिलासपुर की लीलैंड कंपनी है, 14 तारीख का कंपनी के अंदर खड़ा हूँ, एक पाइप बदलना है, एक नोजल, यूरिया का नोजल खराब है। यूरिया का नोजल बदलने के लिए 3 दिन लग गए हैं और नोजल कंपनी में रखा हुआ है, नोजल अभी तक बदला नहीं जा रहा, उसी को रिपेयरिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब उसी को धो धा के लगा देंगे। इसके चक्कर में मेरा 2 भाड़े कट गए, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। मेरी 5 तारीख की किस्त थी, वो भी बाउंस हो गई है। टमाटर भरा था गाड़ी में, एक पाइप भरा था, फरीदाबाद दिखवाया, ग्वालियर दिखवाया, टीकमगढ़ दिखवाया, दबोई दिखवाया, दबोई से छत्तीसगढ़ बिलासपुर में दिखवाया। 5 लीटर कूलेंट था, अपने पानी भर दिया है, वहाँ 20 लीटर की बाल्टी भर दी है पानी के मारे, कूलेंट की पूरी जगमग गई, वहाँ 5 लीटर निकल रखा। आखिर कब तक ये झोल चलता रहेगा,
कब तक गाड़ी मालिक इसी तरह परेशान रहेंगे? कोई तो सुनवाई करे कंपनी वाले, ताकि इस तरह की वीडियो सामने ना आए और ड्राइवर और गाड़ी मालिक परेशान ना हो सके। सोचिए, 2 से 3 महीने में इतनी बार गाड़ी खराब हो गई, रास्तों में ये खड़े हैं, सुनसान रास्ते होते हैं, गाड़ी पर माल लदा होता है, इतने इतने दिन से वहां पर खड़े हैं, क्या ये समस्या कंपनी वालों को नजर नहीं आती? इसका कोई पक्का इलाज होना चाहिए, पक्का समाधान होना चाहिए। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।